हे, दिस इज केतन अग्रवाल। तो पिछले कुछ महीनों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि ट्राइडेंट बोल सकते हैं, उन सारी कंपनीज के अंदर करीब करीब 50% का हमें फॉल देखने को मिला उनके शेयर प्राइस में पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर। एंड वहाँ से कंपनीज रिकवरी भी नहीं कर पा रही है, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे एक दिक्कत वाला चीज़ है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना फॉल आया हुआ है सारे के सारे शेयर्स के अंदर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी, कंपनी का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इनफैक्ट कंपनी का रेवेन्यू में पिछले एक साल के अंदर हमें 66% का राइज देखने को मिला। एंड कंपनी के प्रॉफिट के अंदर पिछले एक साल के अंदर 372% का राइज देखने को मिला। एंड कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होता हुआ जा रहा है, तो कंपनी का रेशियोज भी काफ़ी बेहतरीन है। बट इस कंपनी का शेयर प्राइस में इस वक्त हमें 33% का फॉल देखने को मिला है अपने ऑल टाइम हाई से। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री भी काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री भी डाउन है, एट द सेम टाइम कंपनी भी डाउन है। एंड जैसे ही इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, वैसे ही इस कंपनी के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एट द सेम टाइम कंपनी का अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान है जो कि इस वक्त वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आने वाले समय में कंपनी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी एंड उसकी वजह से कंपनी और भी ज़्यादा सेल कर पाएगी। एंड एट प्रेजेंट कंपनी 90% कैपेसिटी में ऑपरेट भी करने लग रही है। तो इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है नितिन स्पिनर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं नितिन स्पिनर्स का, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बेसिकली। एंड थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में भी समझेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त क्या गड़बड़ चलने लग रहा है, क्यों हमें इतना फॉल देखने को मिल रहा है सारे के सारे टेक्सटाइल कंपनीज में, एंड क्यों इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। तो मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये किसी भी प्रकार का बाय या तो सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस है। एंड यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की प्लेस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हो सकता है कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा भी लूज़ कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो बड़े आराम से अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, या तो फिर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी का एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आपको फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिखा देता हूं, ताकि आपको ये प्रेजेंटेशन दिखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले एक साल के अंदर 66% से राइज हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड कंपनी का जो इबिटा है वहाँ पे 153% का ग्रोथ है पिछले एक साल के अंदर। एंड कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, 374% का ग्रोथ है पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का ये पता चलता है कि कंपनी का ज़रूर यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू में 66% का ग्रोथ है, एट द सेम टाइम कंपनी का प्रॉफिट में 374% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ होगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अब हम यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट लाइन को कवर कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम कंपनी का एक्सपेंशन प्लान के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, एंड कंपनी का नंबर्स को हम स्टडी करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है यह वीडियो आपके लिए, एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो कंपनी का प्रोडक्ट लाइन के बारे में अगर आप बात करोगे, तो कंपनी का 4 मेन यहाँ पे प्रोडक्ट है। सबसे पहला तो कॉटन यार्न, दूसरा ब्लेंडेड यार्न, तीसरा निटेड फैब्रिक, एंड चौथा फिनिश्ड वुवन फैब्रिक। तो यहाँ पे कंपनी का मेन 4 ये प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पे कंपनी में जो सडनली हमें ग्रोथ देखने को मिला कंपनी के नंबर्स के अंदर, उसका मेजर रीज़न था कि कंपनी को न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हाथ लगा, एंड कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी का एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो बेसिकली जो डिमांड है कॉटन का, वो इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी बेहतरीन रहा FY 2022 में।
तो यहाँ पे जो कंपनी का जो सडन राइज आया, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था कि कुछ कुछ न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया एंड वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। एंड दूसरा बड़ा कारण ये था कि यूएस ने चाइना के ऊपर बैन लगाया है, यानी कि चाइना से यूएस ने इम्पोर्ट करना बैन किया है कॉटन का किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से, जिसको बोलते हैं जिनजियांग रीज़न। तो वहाँ से यूएस ने इम्पोर्ट करना बैन कर दिया एंड उसकी वजह से चाइना का क्या हुआ कि कॉटन का डिमांड कम हो गया एंड वो डिमांड दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो वो इंडिया के लिए एक फ़ायदे वाला सिचुएशन रहा है। एंड क्योंकि अब कंपनी का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रहा है इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में, तो कंपनी का बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान भी है। तो कंपनी करीब करीब 955 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके 2 न्यू प्लांट सेटअप करने लग रही है इस वक्त, जो कि FY 2023 एंड 2024 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। एंड जो ये एक्सपेंशन प्लान है उसकी वजह से गवर्नमेंट से कंपनी को सब्सिडी भी मिलने वाला है राजस्थान गवर्नमेंट से, एंड वहाँ पे अगेन कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा ये फाइनेंशियली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का कुछ इस तरह से ग्रोथ का प्लान है। तो अगर आप यहाँ पे ब्लू वाला सर्कल को देखोगे जहाँ पे 75 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्पिनिंग का कैपेसिटी है वो 75 टन पर एनएम का है, जो कि बढ़ के हो जाएगा 110। एट द सेम टाइम कंपनी का जो निटेड फैब्रिक का कैपेसिटी है वो 9 टन पर एनम का, जो कि बढ़ के हो जाएगा 11 टन पर एनम। एट द सेम टाइम कंपनी का जो वुवेन फैब्रिक का कैपेसिटी है वो है 30 मिलियन मीटर्स पर एनम, जो कि बढ़ के हो जाएगा 40 मिलियन मीटर्स पर एनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हर एक एरिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है एंड आने वाले टाइम में इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर। तो अब तक हमने कंपनी का प्रोडक्ट लाइन के बारे में देखा एंड कंपनी का एक्सपेंशन प्लान के बारे में समझा, एंड अब हम करते हैं इंडस्ट्री का एनालिसिस, यानी कि देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है टेक्सटाइल को लेके। एंड ये देखने से ही हमें पता चलेगा कि क्यों इस वक्त इतना बड़ा फॉल आने लग रहा है सारे के सारे टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहा है एंड क्यों ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यूएस ने जो चाइना के ऊपर बैन लगाया था, वहाँ से जो कॉटन प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट में बैन लगाया था, उसकी वजह से क्या हुआ कि सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया एंड उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज़ का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया एंड उस वजह से क्या हुआ कि जो शॉर्टेज हुआ कॉटन का ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह से कॉटन का प्राइसेस बढ़ने लगा। क्योंकि जो चाइना का जो रीज़न है जिनजियांग रीज़न, वहाँ से 20% वर्ल्ड का सप्लाई होता था एंड जब वो सप्लाई नहीं हो पाया तब वहाँ पे क्या हुआ कि दूसरे रीज़न में ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा एंड उस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने लगा। एंड दूसरा बड़ा कारण ये हुआ कि जो कॉटन का प्राइस था वो भी नेचुरली राइज हो रहा था बिकॉज ऑफ पुअर प्रोडक्शन ईयर 2021 एंड 22 में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ सारे के सारे कंपनीज के अंदर एंड पूरे पूरे इंडस्ट्री में। उसकी वजह से कंपनीज़ क्या कि अपनी मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाई एंड डिमांड में भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था। तो उस वजह से जो ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं पिछले 1-2 सालों से सफ़र कर रही है एंड उस वजह से सारे के सारे शेयर डाउन है इस वक्त। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक यूएस का इंडेक्स है कॉट लुक इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो यूएस का कॉट लुक इंडेक्स था जो कि 77 यूएस सेंट में ट्रेड होता था, वो बढ़ के हो गया था 120 यूएस सेंट्स नवंबर 2021 में। तो यहाँ पे 55% का राइस था कॉटन के प्राइस में। एट द सेम टाइम ईयर 2022 में वो और भी बढ़ के हो गया 155 सेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% राइज हो गया था, 100% से भी ज़्यादा राइज हो गया था कॉटन का प्राइस एंड उसकी वजह से पूरा का पूरा इंडस्ट्री सफ़र कर रहा था। बट यहाँ पे अब अच्छी बात यह है कि ये जो प्राइस है कॉटन का वापस गिर चुका है एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईयर 2023 में कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होगा। एंड क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होगा यानी कि सप्लाई अच्छा होगा, यानी कि कॉटन का प्राइसेस नीचे आना चाहिए एंड वापस से मार्जिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर एंड उसकी वजह से कंपनीज को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इन और एक बड़ा कारण जिसकी वजह से जो कॉटन में काफ़ी ज़्यादा हमें राइज देखने को मिला, उसका वजह था कि जो शिपिंग का कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वेसल सप्लाई कोविड की वजह से, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। एंड कुछ कारण जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे कॉटन इंडस्ट्री को या तो पूरा गारमेंट इंडस्ट्री को, उसका कारण था यूरोप का जो करेंट सिचुएशन, वहाँ पे हाई इन्फ्लेशन होना, एट द सेम टाइम यूक्रेन एंड रशिया का वॉर का टेंशन, इन सारी चीज़ों की वजह से कॉटन इंडस्ट्री सफ़र किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र किया है एंड यूएस में भी जो रिसेशन वाला जो कंडीशन है उसकी वजह से भी इंडस्ट्री में काफ़ी इफेक्ट आया है। एंड जब रिसेशन वाला सिचुएशन पैदा होता तो क्या होता है कि लोग अपना जो स्टॉक को मेंटेन करते हैं यानी कि जो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं उसको क्या करते हैं कि वो कम करने लगते हैं इन्वेंट्री, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला टाइम में डिमांड कम होने वाला है एंड सारे के सारे कंपनीज अपने इन्वेंट्री को वापस कैश में धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगते हैं। ये रीज़न होता है
कि हमें पुअर डिमांड देखने को मिलता है किसी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो ये था ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। एंड अब हम थोड़ा सा जल्दी से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं एंड क्यों इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। तो करीब करीब 12% का जो रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट मार्केट से इंडिया का, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही आता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का GDP में 5% कंट्रीब्यूट करती है, 5% अकेला कंट्रीब्यूट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बड़ा नंबर है। एंड क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेविली एक्सपोर्ट करता है, 5% GDP में भी कंट्रीब्यूट करता है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमेशा इस इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेके आती है जो कि इस इंडस्ट्री को हेविली सपोर्ट करता है। एंड ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10% का CAGR ग्रोथ आता हुआ रहेगा अगले 4-5 सालों तक, जो कि एक अच्छा ग्रोथ नंबर होता है। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जैसे कि PLI स्कीम हो गया, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी हो गया, या तो फिर जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स गवर्नमेंट बनाने लग रही है, उसकी वजह से कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसा पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, ना कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बल्कि सारे के सारे कंपनीज़ को, सारे के सारे इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। एंड उसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा ग्रोथ आ सकता है अगले 4-5 सालों में। एंड दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि FY 2023 में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होगा, एट द सेम टाइम कोविड का सिचुएशन अभी इस वक्त कुछ सीवियर नहीं है, एंड इंडिया का जो इनकम लेवल है यानी कि पर कैपिटल इनकम लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, एंड इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है वो भी बढ़ रहा है, छोटे शहरों से अच्छा डिमांड क्रिएट हो रहा है। तो मुझे पर्सनली इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आता है आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 5-10 सालों में। एंड कुछ ऐसी ग्लोबल पॉलिसीज़ जो कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लग रहा है, वो पॉलिसी जैसे कि China+1 पॉलिसी, यानी कि हर एक कंट्री अब चाहता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें एंड थोड़ा सा अपना डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करें, जैसे कि वियतनाम हो गया या तो फिर इंडिया हो गया। तो इंडिया को भी इसका अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, फिलीपींस जैसे कंट्री को भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश को भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो China+1 पॉलिसी जो सारे कंपनीज इस वक्त फॉलो कर रही है उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट जो 100% FDI अलाउ करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उसके वजह से इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ आता रहता है, आता हुआ रहेगा। एंड इंडिया का जो फार्मिंग टेक्निक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल फार्मिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स दिखाऊं तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि इंडिया कितना लैग करता है अपने प्रोडक्शन में इस वक्त, यानी कि कॉटन के फार्मिंग में इस वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का जो फार्मिंग है, कॉटन फार्मिंग, वो है 462 kg पर हेक्टर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पर हेक्टर ऑफ लैंड में इंडिया 462 kg प्रोडक्शन करता है कॉटन का, जबकि वर्ल्ड का एवरेज है 787 kg पर हेक्टर ऑफ लैंड। तो देखो इंडिया का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है प्रोडक्शन कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, एंड यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव बात है एंड इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पे हमने इस वक्त कवर किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है ग्लोबल मार्केट में एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है एंड किस तरह से गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लग रही है। तो ये था ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस एंड एज वेल एज इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का नंबर्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं एंड देखते हैं कंपनी का नंबर्स क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहना, तभी आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी का सेल्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स से ही पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, किस तरह से कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में एंड वहाँ पे राइज हो रहा है कि नहीं, यानी कि कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स का नंबर को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपनी का सेल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स था 1145 करोड़, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के हो गया 2690 करोड़।
तो यहाँ पे पिछले 5 साल में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि सेल्स ग्रोथ है 23.8% का, यानी कि हर साल कंपनी का सेल्स 23.8% से राइज होता हुआ ऊपर गया है। एट द सेम टाइम पिछले 1 साल के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 66% का राइज है पिछले 1 साल के अंदर। तो कंपनी अपने एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए पिछले 1 साल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। एंड उसी प्रकार अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट को कवर करोगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 52 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 326 करोड़ मार्च 2022 में, जो कि काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में 58% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट 58% से राइज हुआ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। एट द सेम टाइम पिछले 1 साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट करीब 374% से राइज हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, जो कि खुद में एक बड़ा नंबर है, इंप्रेसिव नंबर है। एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में जरूर इंप्रूवमेंट आया होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.54% का कंपनी का मार्जिन था मार्च 2018 में, जो कि एक फ्लैट था पिछले कुछ 4 साल से, जो कि एकदम से अचानक से बढ़ के हो गया 12%, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से है, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है इस कंपनी को। इन कंपनी का अगर आप क्वार्टर सेल्स देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, एंड उसकी वजह से इस कंपनी के अंदर इस वक्त फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा लौता कंपनी नहीं है जो कि सफ़र कर रहा है इस वक्त, पूरे इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम है इस वक्त, एंड उसी का शिकार इस पर्टिकुलर कंपनी नितिन स्पिनर्स भी है। तो इस वजह से ही कंपनी के अंदर फॉल आया है। तो कंपनी का सडन अच्छा एक राइज आया था, बट अभी क्वार्टर के अंदर हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। बट अगर क्वार्टर रिजल्ट वापस से पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, तब हम इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समझेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे जून एंड सितंबर के बीच में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा खासा फॉल आया था, बट सितंबर एंड दिसंबर यानी कि Q3 में थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिला कंपनी का क्वार्टर सेल्स के अंदर, जो कि पॉजिटिव साइन एक्ट हो। एंड उसी प्रकार अगर आप क्वार्टर प्रॉफिट देखोगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला दिसंबर 2021 एंड दिसंबर 2022 के बीच में, आप देख सकते हैं अच्छा खासा फॉल है। बट अगर आप Q2 वर्सेस Q3 करोगे, यानी कि सितंबर से कंपेयर करोगे सितंबर 2022 से, तो वहाँ पे 29 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 32 करोड़ का प्रॉफिट Q3 में, यानी कि दिसंबर 2022 में। तो कुछ पॉजिटिव साइन हमें वापस देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि एक और क्वार्टर रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये कंपनी का शेयर जल्दी से ऊपर भी जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है, कॉटन प्राइस स्टेबल रहता है, तब मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आएगा, एट द सेम टाइम कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। एंड ये जो बुरा सिचुएशन है कि इंडस्ट्री भी सफ़र कर रहा है, कंपनी उसकी वजह से सफ़र कर रहा है, प्राइसेस डाउन है स्टॉक का, तभी तो एक बेहतरीन समय होता है किसी भी स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि आपको स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अभी हम आगे रेशियोज में जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कितना सस्ता आपको मिल रहा है, एंड आपको क्यों इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आगे देखते रहे इस वीडियो को। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का रिजर्व देखोगे तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 361 करोड़ से बढ़ के हो गया 820 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी का। एंड यहाँ पे कंपनी का बोरोइंग्स देखोगे तो वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बोरोइंग्स कंपनी का थोड़ा सा वापस बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, एंड उसका रीज़न है कंपनी का जो एक्सपेंशन का प्लान है, उसकी वजह से कंपनी का बोरोइंग्स थोड़ा सा वापस बढ़ने वाला है, जो जैसा कि कंपनी का मैनेजमेंट ने खुद ही कहा है। एंड यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से ही पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी कितनी बड़ी रिच कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेशंस कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, 66 करोड़ से बढ़ के हो गया 431 करोड़ 5 साल में, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली तो बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड रेशियोज़ को अभी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो है 12% का, जो कि अस पर इंडस्ट्री एवरेज है, जो कि एक अच्छा नंबर है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.6%, यानी कि यहाँ से ये पता चल जाता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स जो है, यानी कि कंपनी जो अपने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट की थी उसको काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करने लग रही है, कंपनी का एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का पी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी आपको कितना महंगा या तो सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है वो है 5.37, जो कि
इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा बिलो है इस वक्त। तो यानी कि आप इस कंपनी में 5 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए, जबकि इंडस्ट्री एवरेज काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ से। तो ट्राइडेंट जैसी कंपनी जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, वो कंपनी का पी रेशियो इस वक्त 33 है बोल सकते हैं, एंड इस कंपनी का पी इस वक्त 5 का है। यानी कि ट्राइडेंट में आप 1 रुपये कमाने के लिए 33 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड इस कंपनी में आप 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 5 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो उस कारण से मुझे लगता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है इस वक्त। एंड कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर अराउंड 170 रुपीज़ का है, एंड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है कंपनी का शेयर का वो अराउंड 200 रुपीज़ का है। तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड हो रही है, 1.2 में बोल सकते हैं ट्रेड हो रही है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, जो बिल्कुल सस्ता है शेयर इस वक्त। एंड कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 9 का, यानी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट को ईजिली रीपे कर पाएगी। एंड यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी 54.4% में जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 656 का है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पब्लिक होल्डिंग 34, DIs ने भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है, एंड FIs ने भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जो कि आगे काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है। तो 5% DIs का होल्डिंग है एंड 4% FIs का होल्डिंग है। तो जल्दी से इस वक्त मैं आपको पूरा सिचुएशन जो है आपको समराइज कर देता हूँ, एक हाईलाइट, एक लाइक बर्ड आई व्यू से आपको दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है पूरे इंडस्ट्री एंड कंपनी के अंदर। तो एक जगह है इंडस्ट्री जो कि काफ़ी हेवीली इस वक्त सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई कॉटन प्राइसेस की वजह से सफ़र कर रहा है, पुअर डिमांड की वजह से, US का रिसेशन, यूक्रेन का वॉर, चाइना के ऊपर बैन लगाना, तो वो सारे कारण से शिपिंग का शॉर्ट लाइक वेसल का शॉर्टेज की वजह से, या तो हाई क्रूड ऑयल का प्राइस की वजह से जो भी कंपनी का अगेन शिपिंग कॉस्ट ये सब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एक जगह इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। इधर दूसरे जगह कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, इनफैक्ट ना कि सिर्फ प्लान, एग्जीक्यूशन स्टेज में है इनफैक्ट। तो यहाँ पे कंपनी का नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव है, रिसोर्स अच्छा है, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। एंड यहाँ ऊपर जो है गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करने लग रही है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू, मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसे स्कीम के थ्रू, FDI के थ्रू, 100% FDI के थ्रू कर रही है, प्रोडक्टिव बिंग इंसेंटिव के थ्रू कंपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लग रही है, लाइक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लग रही है। तो गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस अच्छा है, सिर्फ इंडस्ट्री सफ़र कर रहा है, इसकी वजह से सब कुछ इस वक्त डाउन है। तो सब कुछ नेगेटिव नज़र आता है इस वक्त, एंड पॉजिटिविटी एक टाइप से बोल सकते हैं कि छुप चुका है, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिविटी है, एंड इंडस्ट्री का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एंड कंपनी भी खुद में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो इस टाइप का सिचुएशन है, एंड ये सिचुएशन की वजह से क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त, उसकी वजह से कंपनी का शेयर अराउंड 35% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड मुझे यही रीज़न लगता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है क्योंकि आपको ये कंपनी 35% डाउन में मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड जैसे ही इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा रिकवरी आएगा, सिचुएशन बेटर होगा, तो वापस से ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज यानी कि सारे के सारे कंपनीज के अंदर ग्रोथ आने लगेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड जो टेक्सटाइल होता है वो एक लाइक उसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं, आपको पता होगा लोग जरूर टेक्सटाइल को यूज़ करते हैं एंड करते रहेंगे, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कुछ भी ट्रेंड है, कुछ भी फैशन है, बट टेक्सटाइल जो कपड़ा है वो तो यूज़ होने ही वाला है, कॉटन तो यूज़ होने ही वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। तो एनीवेज कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है मार्केट में। तो मेरी राय में आपको इस कंपनी में अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो। ध्यान रखें, मैंने अपनी एनालिसिस यहाँ पे शेयर की है, मैंने आपको बाय या सेल करने नहीं बोला है, मैंने अपने आप रिकमेंडेशन दिया कि आप बाय कर सकते हो, बट आपको अपनी एनालिसिस करनी है तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको आलस आता है एनालिसिस करने में तब आपको स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, आपको अपने पैसे FD में ही रखना चाहिए, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, बट स्टॉक्स कभी ना खरीदें किसी भी प्रकार का एनालिसिस बिना किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आपको कुछ ना कुछ नया तो सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलिए चलता हूँ, दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एन्जॉय, फिर मिलेंगे।